ये सपना शादीशुदा औरतों के लिए बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। राजस्थान के चुरू जिले की अनीता नाम की महिला ने मेरे को कमेंट करके अपना सपना बताया कि मेरी शादी अभी नई नई हुई है और मैं अपने पति का खोना नहीं चाहती हूँ। मैंने सपने में देखा कि मेरे पति की शादी मेरी आँखों के सामने हो रही है और वो मेरी तरफ बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। मैं अपने पति की शादी देखकर जोर जोर से रो रही हूँ और मैं अपने घर वालों को बार बार शादी को रोकने के लिए कह रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरे बात का जवाब नहीं दे रहा है। सारे घर वाले मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और तो और मैं अपने पति की तरफ देख रही हूँ और वो मेरे तरफ नजर उठा के भी नहीं देख रहे हैं। मेरे रोने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है। तभी विदाई का समय आया और वो औरत मेरे हाथों से मेरे पति को छीन कर ले जा रही है। तब मैंने अपने पति को जोरों से पकड़ लिया और तभी मेरे पति ने मेरे को जोर का धक्का दिया और मेरा सिर दीवार से टकराता है। मैंने जोर से चीख मारी और इतने में ही मेरे आंखें खुल जाती है। तभी मैंने अपने बिस्तर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे हाथों में है और फिर मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन मेरे को अपने पति के अफेयर के बारे में पहले ही शक था। मेरे मन में घबराहट थी, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी थी कि मेरे को समय रहते ही पता चल गया। कृपया करके मेरे इस सपने का अर्थ बताने का कष्ट करें। नमस्कार अनीता जी, ये सपना आपके लिए देखने में भले बुरा संकेत हो, लेकिन वास्तविक रूप से ये सपना आपके लिए शुभ संकेत है। ये सपना बताता है कि आपको अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार है, आप उसे किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती है, इसलिए उसे खोने का डर आपके मन में चलता रहता है, इसलिए आपको इस प्रकार का सपना दिखाई देता है। इस सपने के बाद आप अपने पति को इतना ज्यादा प्यार दें कि वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखने, आप उसे बंधन में बांधने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके हाथों से निकाल सकता है। इसके साथ ही आप हर सोमवार भगवान शिव की आराधना करें ताकि आपकी जोड़ी भगवान शिव और पार्वती की तरह आजीवन बनी रहे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।